स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा के गैसपुर में ना गले मिले ना ही मिलाया हाथ मनी ईद। कोरोना महामारी के चलते ईदगाह सहित शहर की मस्जिदों में 5-5 लोगों ने अदा की विशेष नमाज, कोरोना के खात्मे की हुई दुआ। गैसपुर में गुरुवार को ईद का चांद नजर आने के बाद शुक्रवार को सादगी एवं सोशल डिस्टेंस के साथ ईद मनाई गई। मनीष खान मंसूरी मुस्लिम अध्यक्ष ग्यारसपुर ने बताया कि ईद के मौके पर मुस्लिम समाज ने लॉकडाउन के कारण 5-5 लोगों के साथ ईदगाह और शहर की मस्जिदों के साथ घरों पर सोशल डिस्टेंस के साथ अदा की ईद की नमाज। ईदगाह में सुबह 7:30 बजे और ग्यारसपुर की सभी मस्जिदों में सुबह 7:45 पर विशेष नमाज 5-5 लोगों ने अदा की। उन्होंने बताया ये दूसरा मौका है कि हमने घरों में रहकर रमजान और ईद का त्यौहार सादगी से मनाया, ना ही गले मिले और ना ही हाथ मिलाया, दूर से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सामाजिक दूरी और शासन प्रशासन के निर्देशानुसार ईद का त्यौहार मनाया गया। अनीश खान मंसूरी ने बताया ये दूसरी ईद है जब बच्चों के चेहरे पर मायूसी थी, ना ही नए कपड़े पहने और ना ही ईद पर कोई खरीदारी की गई, उन पैसों को गरीबों में बांटा गया। ईद की खुशी में उन्हें भी शरीक किया गया। शुक्रवार को ईद के मौके पर ईदगाह सहित ग्यारसपुर की सभी मस्जिदों में नमाज के बाद बाकी लोगों ने अपने अपने घरों पर नमाज अदा की। अनीस खान मंसूरी ने बताया सभी ने कोरोना के खात्मे के साथ देश में अमन चैन भाईचारा कायम रखने की दुआएं घर घर की गई। मुआज कामिल ने समाज को पैगाम देते हुए कहा कि ईद के मायने खुशी के हैं और हमारी खुशी तब है जब गरीब के चेहरे पर खुशी हो। ईद का त्यौहार नफरतें मिटाने और मोहम्मदें बांटने का पैगाम देता है। कोरोना ने इस साल कई अपने हमसे छीने हैं और हमें इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और शासन की गाइडलाइन के तहत अमल करना चाहिए, जिससे हम भी बचें और लोगों को भी बचाएं। हमने अगर इस पर अमल कर लिया तो और लोगों को करा लिया तो इससे बड़ी खिदमत कुछ भी नहीं। मनीष खान मंसूरी ने कहा कोरोना की बीमारी से नफरत करें, बीमार से नहीं, और इंसानियत को मजबूती दें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां हर परिस्थिति में सारे समाज एक साथ खड़े रहते हैं। जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया, अधिकारी मौजूद रहे, SDM ब्रजेश रावत, तहसीलदार सुनील शर्मा, TI महेंद्र शाख मौजूद रहे। गैसपुर संवाददाता अनीश खान मंसूरी का। आपका मोहम्मद अली कुरैशी, आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आपने ईद किस तरह से मनाई, खुशी से मनाई? नहीं, कोरोना के चलते हमारी ईद दुख में गई। हम खुशी तो मना रहे हैं लेकिन गरीबों के साथ। कोरोना 2 साल से चल रहा है, हमने 2 साल से कोई भी त्यौहार नहीं बनाया है। ईद, रमजान, मुहर्रम सारे दुख में निकल गए। बस अब ये है, आपसे दरख्वास्त है दूर दूर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और बस जीतेगा हिंदुस्तान, हारेगा कोरोना। हमने सबके लिए दुआ करी, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, ये जो कोरोना से मर रहा है सबके हिफाजत के लिए हमने दुआ करी, ये पूरे इंडिया के हिफाजत के लिए हमने दुआ करी। जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना।